नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसा शिवलिंग है जहां एक और अभिषेक करने पर आपको एक साथ 1100 शिवलिंग पर अभिषेक करने का फल मिलता है। ग्वालियर के लोग इस शिवलिंग को हजारेश्वर महादेव के नाम से पुकारते हैं। यह शिवलिंग है ग्वालियर के केंडेवाली सड़क स्थित रामकुई पर। ग्वालियर के मोटे महादेव का यह प्राचीन शिव मंदिर 300 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मंदिर के पुजारी की माने तो शिवलिंग कहाँ से प्रकट हुआ है कोई नहीं जानता, मगर इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही आपके मन की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। प्राचीन शिवलिंग में छोटे छोटे 11 शिवलिंग बने हैं, जिससे इस शिवलिंग पर जल अर्पण करने या अभिषेक करने पर एक साथ 11 एक शिवलिंग की पूजा का फल मिलता है। इसके साथ ही शिवलिंग में ऊपर नरमुंडों की माला है, जबकि पिंडी के नीचे 9 शेषनाग स्थापित हैं, यानी आपको एक ही पूजा से कई फल मिल जाते हैं। शिवरात्रि में यहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए भी पहुँचते हैं। ये मंदिर 400 वर्ष पुराना है, प्राचीन मंदिर है, और इस शिवलिंग का भी पता नहीं है कब और कैसे कहाँ बनी और कहाँ से प्रकट हुई है। ऐतिहासिक मंदिर है, जो भी मनोकामना करेंगे वो भोलेनाथ पूरी करेंगे, और जो भी अर्जी लगाएंगे अधिकतर लेडियों की ज्यादा सुनते, विवाह शादी कोई रुका हुआ कार हो, और इसके अंदर 7 जलहरी के नीचे शेष नाग है और 2 नाग जलहरी के ऊपर है, ऐसे करके 9 नाग है और 1101 शिवलिंग है इसके अंदर में। एक बार अभिषेक करने से 1100 शिवलिंग का स्नान होता है। 11 क्या, वो तो असंख्य रुद्र हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है, वो तो 1101 अपन ने गिन रखे हैं। और आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, ये मोटे महादेव मंदिर और हजारेश्वर से नाम से भी पुकारते हैं। ये रामकुई पुल गेड़े वाली सड़क के नीचे हैं, और नई सड़क से भी आ सकते हैं, और आप ये खालके बाजार से भी आ सकते हैं, हाट वाली पुलिया से। ये मोटे महादेव मंदिर है, तो भक्त दूर दूर से आते हैं। गुड्डू भैया भी प्रचार करते, आओ मेला चलें, इसके अनुसार